नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित इस ताज़ा तरीन अंक के साथ। आज का यह अंक है, राजनाथ सिंह विरोधियों पर भारी पड़े और चुनाव के पहले ही विरोधियों के हौसले हुए पस्त। इसके पहले कि मैं आपको लखनऊ संसदीय क्षेत्र की ताज़ा स्थिति से अवगत कराऊं, उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों, अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ संसदीय क्षेत्र की ताज़ा तरीन स्थित के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लखनऊ की नज़ाकत और नफासत पूरी दुनिया में मशहूर है और लखनऊ संसदीय क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र रह चुका है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। लखनऊ से जाने माने राजनेताओं ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है। दोस्तों, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद श्री राजनाथ सिंह जी को यहां से कैंडिडेट बनाया गया। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के श्री प्रमोद कृष्णन और समाजवादी पार्टी से फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से कांग्रेसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि यहां मुकाबला शुरू होने के पहले ही राजनाथ सिंह की जीत निश्चित हो गई है, क्योंकि पटना साहिब से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार जो बीजेपी छोड़ करके हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अपनी पत्नी पूनम सिन्हा का प्रचार करने के लिए जैसे ही लखनऊ पहुंचे, वैसे ही लखनऊ में कांग्रेसी भड़क उठे। प्रमोद कृष्णन ने तो इतना तक कह दिया कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है तो पटना साहब से कांग्रेस के मिले हुए टिकट को वापस कर दें। हालत तो ये हो गई है कि बीजेपी को छोड़ विरोधी ही आपस में तू-तू मैं-मैं में मशगूल हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राजनाथ सिंह को मिल रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनाथ सिंह विरोधियों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ चुनाव मात्र एक औपचारिकता बनके रह गई है। विरोधी अपने ही चाल और चरित्र के कारण चुनाव मैदान में तो हैं, लेकिन अब मुकाबले में नहीं हैं। तो आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन घटनाओं के साथ जल्दी ही फिर हम आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले एक निवेदन कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ। नमस्कार।